नमस्कार, आप देख रहे हैं केगड़े न्यूज। में हूँ आपके साथ फतिका थपकिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान देने के विरोध में लाइब्रेरी से बाबा सैयद गेट तक मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने ACM द्वितीय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने और दंगे भड़काने की कोशिश करने वाले नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नुपुर शर्मा को 48 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गया तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित महानगर में जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 5 बजे सैकड़ों छात्र MU की मौलाना आजाद लाइब्रेरी पर एकत्रित हुए। छात्रों ने हाथों में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तख्ती बैनर लेकर लाइब्रेरी से नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट के लिए कूच कर दिया। AMU परिसर के बाबे सैयद गेट पर अमूवी की प्रोक्टोरियल टीम ने छात्रों को रोक दिया। छात्रों ने मौके पर पहुंच ACM द्वित सुधीर कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की सिर्फ एक ही डिमांड है कि नुपुर शर्मा को फांसी हो। ये सबसे शॉर्ट में डिमांड है हमारी। अगर गवर्नमेंट इस चीज को नहीं मानती है तो उसको उम्र कैद की सजा दे। ये हमारे दूसरा पॉइंट है, ठीक है। नुपुर शर्मा की वजह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब हुआ है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्तागी करी है। हमारी जान, हमारी माल, सब कुछ उनके लिए कुर्बान, क्योंकि हम उनके सबके तुफैल में जिंदगी को जी रहे हैं, तो हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नुपुर शर्मा को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे एहतजाज करने जा रहे हैं और धरना लगाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इसी खबर में अब बात अभी तक जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। और शिवेंद्र बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बीजेपी के पास सबसे पहले आ रही हूं मैं। शिवेंद्र जी, आवाज मेरी पहुंच पा रही है क्या आप तक? आ रही है क्या मेरी आवाज? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। सवाल यही है कि जब नुपुर शर्मा ने माफी मांग चुके हैं उसके बावजूद भी उन्हें फांसी जैसी सजा देने की बात आखिर क्यों की जा रही है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, माफी मांग ली गई है बीजेपी ने, उन्हें निलंबित कर दिया गया है, उसके बावजूद भी ये विवाद थमता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा है? शिवेंद्र जी, देखिए, जिनकी जैसी सोच होती है वो सृष्टि को वैसे ही देखते हैं। इनका स्वभाव रहा है, जो विदेशी आक्रांता यहाँ आए ना, आज भी स्वभाव बना हुआ है। उस विचार को जो लोग जी पा रहे हैं, कभी ये धर्म को स्वीकार ना करने पर फांसी के फंदे पर लटका देते थे, कभी अपने धर्म को मानने पर ये फांसी के फंदे पर लटका देते थे। अगर कोई व्यक्ति गलती मान चुका है, वह कह चुका है कि मेरी वजह से भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, उसके बाद भी फांसी की मांग करना, उस पर इनाम घोषित करना, तमाम इस्लामिक देशों से, तमाम इस्लामिक संगठनों द्वारा जान माल की धमकी दे जाना, रेप की तक धमकी दे जाना, तो इनके को दर्शाता है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। इनका चरित्र है, इनका स्वभाव है। लेकिन इस तरीके का विवाद आखिर क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? तमाम तरीके के बयानबाजी को लेकर के शुरू हो गई है। वहीं मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी में भी अब हलचल देखने को मिल रही है, कुछ लोग जो है नुपुर शर्मा का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवेंद्र जी, देखिए, दो हर चीज के दो पहलू होते हैं। पहला, नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य थी। भारतीय जनता पार्टी के नाते वो प्रवक्ता के रूप में अपना बयान देती हैं, बयान देती हैं, लेकिन उससे हमारे समाज में, अल्पसंख्यक समाज जो इस देश का है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है, उस पर कठोर कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी उनको निष्कासित करती है। और सिर्फ उनको ही निष्कासित नहीं करती, उनके साथ नवीन जिंदल को भी, जिसकी जिनके ट्वीट से लेकर अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची, उनको भी पार्टी ने निष्कासित किया। तो पार्टी का रुख आप समझिए, पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, चाहे वो कोई जाति हो, चाहे कोई मत हो, कोई पंथ हो, हम सबका सम्मान। और ये केवल आज से नहीं है, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से एक ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर की भी मैं बात करूं, सोशल मीडिया में आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, बीजेपी के कुछ लोगों ने जो है सोशल मीडिया के द्वारा ही जो है बीजेपी की जो मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी को लीव कर दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लोग नाराज हैं कि उन्होंने नुपुर शर्मा को आखिर क्यों बर्खास्त किया है। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया फिर आगे बढ़ रही है। मेरी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, है ना, आराम से समय है, सामने वालों को मैं पूरा समय दूंगा, मुझे मेरी बात कहने का समय दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम एक हाथ में समता का निशान और एक हाथ में भारत का संविधान लेकर मैदान में कूदे, है ना।
समता का निशान, तो जाहिर सी बात है सब लोग हमारे लिए बराबर हो गए। और ये हुई अटल जी की बात। अब हम आते हैं आज की भाजपा में, मोदी जी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जब सबकी बात हमने करी, उसमें हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, जैन भी आए, और भारत पर रहने वाला प्रत्येक भारतीय, सबके विश्वास का सबके सम्मान का हम ध्यान रखते हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब बात करें नूपुर शर्मा की, जिस तरीके से उनको धमकियां दी जा रही हैं, जरा सी बात पर आप लगातार महादेव का अपमान कर रहे हो, हमारे धर्म का अपमान कर रहे हो, आखिर व्यक्ति कब तक सहे। और ये जो लोग नूपुर शर्मा जी के साथ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं मैम, उसको आप समझिए, है ना। अगर व्यक्तिगत नूपुर शर्मा की बात करें, नूपुर शर्मा ने जो भी कहा, चाहे पैगंबर के बारे में कहा हो, चाहे इस्लाम के बारे में कहा हो, वो तर्क संगत कहा है, धर्म संगत कहा है, शास्त्र संगत कहा है, और कोई उनको झुठला नहीं सकता। मैं उनको चुनौती देता हूँ, तर्क संगत। हम अपने शास्त्र की बात करते हैं, हमारा शास्त्र कहता है सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार किया जाता है। जब लगातार आप हमारे धर्म को अपमानित कर रहे थे, महादेव के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, आखिर व्यक्ति कब तक बर्दाश्त करेगा। हमारे साथ आप लगातार दुष्टता कर रहे हैं और हम सहते रहे, स्वीकारते रहे, अगर आप हमारा अपमान करेंगे तो अपमान सहने के लिए तैयार रहिएगा। हम अहिंसा परमो धर्म, हमारे शास्त्र कहते हैं। मैंने कहा अनुकूल शर्मा शास्त्र संगत है, तर्क संगत है। हमने कहा अहिंसा परमो धर्म, हम किसी प्रकार के हिंसा पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर सामने वाला लगातार हिंसा के लिए उत्साह रहा है, हमारे धर्म को अपमानित कर रहा है, तो पूरा श्लोक यह है हिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथा च। अगर कोई लगातार हम पर हिंसा थोपेगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। एक व्यक्ति के रूप में, एक हिंदू के रूप में नूपुर शर्मा अपनी जगह सही है, इसीलिए समस्त हिंदू उनके साथ खड़ा हो गया है। ठीक है, हम बात करेंगे भाई, दोनों पहल मैंने आपको बताया, पार्टी के भी और व्यक्ति के भी। ठीक है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में हमाद नबी भी इस खबर में जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी हमाद नबी आप तक? हाँ मैम, मेरे पास आपकी आवाज बिल्कुल ठीक तरीके से। सवाल यही है, जब नूपुर शर्मा ने माफी मांग चुकी है, बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है, उसके बावजूद भी उनको धमकियां क्यों, उसके बावजूद भी लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों उनके ऊपर, रेप करने तक की धमकियां उनको मिल रही है, उनका जो है 1 करोड़ रुपए भी अगर आपको देंगे, अगर आप उसकी जीप को काट देंगे, तमाम तरीके की इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही है अब? मैम देखिए, सबसे पहली बात तो मैं हाथ जोड़ के आपका शुभेंद्र भाई का स्वागत करता हूं और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज आपके चैनल पे मुझे बैठकर अपने दिल की बात कहने का मौका मिला। और शुभेंद्र जी को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन है जो महादेव जी का अपमान करते हैं, भगवान शंकर का या भगवान राम का अपमान करने का दुस्साहस करते हो। मैं तो सभी धर्मों में बहुत आस्था रखता हूं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, मैं भी अहिंसा का ही मानने वाला हूं, और जितने पूजनीय इनके लिए भगवान शिव हैं, उससे कहीं ज्यादा पूजनीय मेरे लिए भगवान शिव हैं, भगवान राम हैं, और जितने भी जो भी पूजनीय भगवान हैं, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे सीता माता हो, कोई भी हो, मैं सभी धर्मों का बराबरी से सम्मान करता हूँ, आस्था रखता हूँ, और सभी भगवानों को बराबर से मान सम्मान देता हूँ। अब बात आती है AMU की। AMU का एक अपना इतिहास, एक अपना मकाम और एक अपना वकार है। जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता हिंदुस्तान में की गंगा जमनी तहजीब को, हिंदू मुसलमानों से ईसाइयों की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में भारत को अपमानित होना पड़ रहा है, ये बात सच है, आप भी जानती हैं बखूबी कि किस तरह से और देशों ने जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो टिप्पणी की गई वो टिप्पणी गलत थी, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रवक्ता को अपने संगठन से निकालने का काम किया। यही अगर काम किसी और पार्टी के व्यक्ति ने किया होता तो उस पर कानूनन कार्रवाई भी होती। तो उसी कानूनन कार्रवाई को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। अब बात यही है मैम कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और जब भारत की गंगा जमनी तहजीब को कोई तोड़ने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से, जिसके बयानों की वजह से आज कानपुर के ये हालात हुए। अब बार बार असदुद्दीन ओवैसी भारत की मैडम पूरी बात देखिए कहने दीजिए, मुझे भी पूरा टाइम दीजिए। ठीक है, भारत की छवि धूमिल हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उस पर अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा कि सिर्फ इनके निलंबन से काम नहीं चलेगा, इन पर
कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक कानूनी कार्रवाई किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं होगी, बराबर इस तरह का दुस्साहस लोग करते रहेंगे। क्योंकि आज ये भारतीय जनता पार्टी में एक ट्रेंड बन गया है कि जिसको जितनी जल्दी जितना बड़ा नेता बनना है, वो दूसरे धर्म पे कोई भी कटाक्ष कर दे, दूसरे धर्म के किसी पूजन व्यक्ति पे कोई भी कटाक्ष कर दे, या कोई ऐसा काम कर दे कि जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में द्वेष पैदा हो। तो और रही बात, मेरे दोस्त शिवेंद्र जी ने कहा था कि जबान काटने का, गर्दन काटने का, देखिए कोई वो किसी का निजी बयान हो सकता है, किसने क्या कहा। मैं यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों की बात करने बैठा हूँ, लेकिन सवाल तो ये भी है ना, अगर आप एक सेकंड, सवाल आपसे ही ले रही हूँ सर, जवाब आप ही दीजिएगा शांति से, सवाल आपसे ही है मेरा। सवाल ये है कि अगर ठीक है, भद्दा उन्होंने कमेंट किया, आपको पसंद नहीं आया, तो क्या आप देश को जला देंगे? क्या आप पत्थरबाजी करेंगे? क्या आप पत्थर वहां पर करेंगे? ये कौन सा स्टेटमेंट, एक सेकंड, क्या आप इंतजार कर रहे थे कि कौन बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी का नेता इस तरीके का स्टेटमेंट दे और हम जो है वहां पर फिर पत्थराव करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस पर पत्थराव करेंगे, वहां पर गोलियां चलाएंगे, वहां पर शांति भंग करेंगे, ये होता है? उन्होंने पत्थरबाजी किया, उन पर कार्रवाई करवाई आप जिन्होंने की है। मैं तो पत्थरबाजों को समर्थन नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी अमन हिंदुस्तान का कोई भी अमन पसंद व्यक्ति जो हिंदुस्तान में चाहता है कि शांति रहे, कभी ना तो किसी पत्थरबाज का समर्थन करेगा, ना ही कभी किसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले का समर्थन करेगा, और ना ही किसी ऐसी नुपुर शर्मा नामक महिला का समर्थन करेगा जो हिंदुस्तान को तोड़ने और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के दिलों में दूरियां बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन सवाल वही मेरा सवाल है। मेरे मित्र कह रहे हैं कि मैं पत्थरबाजों के समर्थन में नहीं, इनका कहना है, तो अगर ठीक है, ये नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। लेकिन इनके मुखिया, जिस पार्टी के नाते यहाँ बैठे हुए हैं, इनके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मासूमों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है, वो 40 की 40 तस्वीरें लगी हुई हैं जो कैमरे में कैद हुई हैं पत्थर चलाते हुए, वो अखिलेश यादव जी उनको निर्दोष कहते हैं, मासूम कहते हैं, क्या ये उनके पक्ष में खड़े हैं या अखिलेश यादव जी के बात से सहमत नहीं है, मुझे ये बताइए। सवाल ये ऐड कर रही हूँ, हमादबी जी, ये सवाल, यही सवाल मैं ऐड और कर रही हूँ इसमें कि नुपुर शर्मा में बुलडोजर चलाने की बात आप कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो, ऐसे क्यों नहीं कहते अखिलेश यादव कि उन पर भी बुलडोजर चले, उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो, ये क्यों नहीं कहते आप? मैडम देखिए, ऐसा है ना, चीखने चिल्लाने से ना तो कोई अपनी बात को साबित करता है, कर सकता है, और ना ही किसी दूसरे पे कोई आरोप लगाने से कोई बात, कोई, मैडम देखिए, मुझे भी अपनी बात कहने का हक है, या जो है आप जो अपनी बात कहेंगी मैं आपके शब्दों को अपने मुंह में नहीं ले सकता ना, मैं वही शब्द बोलूंगा जो मेरे मुंह में। एक सवाल मित्र, एक सवाल आपसे और है, जवाब नहीं मिल पाए किसी को, तो इसी तरीके लोगों को बोलने लग जाते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आप चिल्ला रही हैं, ये सवाल कर रही हैं मैम, आप ही के सवाल जवाब रखिए आप जी। मैडम देखिए, ऐसा है, जवाब मेरा ये है कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कभी भी, पत्थर दोनों तरफ से चले थे तो दोनों तरफ के लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये नहीं कि आप एक तरफ के लोगों को भरकर जेल में ठूस दें, आपके पहले सवाल का जवाब। और दूसरा सवाल मैडम आपका क्या है, आप पूछ सकते हैं। फिर मैं, मेरा एक सवाल इनसे, अगर ये कह रहे हैं हमारे मित्र कह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर एक अक्सर हेल्दी डिस्कशन करने बैठे हैं, तो अगर इसका निष्कर्ष अच्छा निकलेगा तो लोगों पे भी इसका अच्छा जो है प्रभाव अच्छा पड़ेगा। नबी जी, शुरुआत करने वाले आप किसी का सर फोड़ेंगे, किसी पर गोली चलाएंगे, पुलिस आप पर लाठी नहीं चलाएगी, पुलिस आप पर आंसू गैस नहीं फेंकेगी, ये कौन सी बात है हमादबी जी? टीवी पर बैठकर आप नहीं बताएंगे किससे शुरुआत की थी? एक सवाल जवाब दीजिए हमादबी जी, वहाँ पर इतने सारे पत्थर कैसे आए, ये सवाल का जवाब दीजिए, इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे हो गई? लोगों के घरों में पहले से पत्थर नहीं, आप कह रहे हैं, आप ये कहते हैं कि नुपुर शर्मा का ये सुनियोजित बयान था, लेकिन ये नहीं कहेंगे आप, ये नहीं कहेंगे अखिलेश यादव, ये नहीं कहेंगे आपकी सुनियोजित, वहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कल बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी का नेता, आप कोर्ट नहीं है,
ये कोर्ट डिसाइड करेगा, आप कह रहे थे जांच होगी वो डिसाइड करेगा। आप एक फोटो दिखा दीजिए, आप मुझे एक फोटो दिखा दीजिए किसी हिंदू द्वारा पत्थर चलाया जा रहा हो, मैं आपको 40 फोटो दिखाता हूँ। हजारों वीडियोस हैं, और जो तस्वीरें वहां पर हैं उनको भी मुसलमान की नहीं है। पत्थर चलाने वाले का कोई धर्म नहीं होता, पत्थर चलाने वाले का कोई धर्म नहीं होता, हिंसा चलाने वाले का कोई धर्म नहीं होता। शुक्रवार का दिन निश्चित किया जाता है, मस्जिद से नमाज के बाद निकला जाता है और वो ठेले लेके आए जाते हैं जिनमें पत्थर रखे होते हैं, छतों में पत्थर रखवाए जाते हैं, वो एक विशेष धर्म के लोग ही होते हैं। शुक्रवार के दिन एक स्थान से निकलने वाले विशेष धर्म के लोग होते हैं, आप कैसे कह सकते हैं पत्थर वालों को कोई धर्म नहीं? पत्थर चलाने वाले का कोई धर्म नहीं होता शिवेंद्र जी, टोपी लगा के मैं और आप यहाँ बैठ कर डिसाइड नहीं करेंगे, ना ही कोई भी न्यूज एंकर, कोई भी न्यूज एंकर बैठ कर जैसे जुमे की नमाज हो, पुलिस जो है जहाँ पर भी मस्जिद है जहाँ पर भी नमाज हो रही है वहाँ पर पहले से तैनात हो जाए, क्योंकि कब जाने क्या हो जाए, ये चाहते हैं आप, इसके पक्षधर हैं। आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया, दोबारा से आपका सवाल सुनना चाहता हूं। आप ये चाहते हैं, इसके पक्षधर हैं कि जहां पर भी जुमे की नमाज हो रही है, जुमे की नमाज के दौरान जो है पूरा पुलिस प्रशासन उस इलाके में तैनात हो जाए पूरी सेफ्टी के साथ में, क्योंकि न जाने कब पत्थर चल जाए, इसके पक्षधर हैं आप? मैडम मैं तो जो है इस चीज का ही पक्षधर नहीं हूँ कि जो है कि अखिलेश यादव पर बैठ कर ये डिसाइड करे, अखिलेश यादव कि पहले पत्थर कहाँ से जा रही है, ये मासूम उन्हें जो पत्थर चला रहे हैं वो मासूम है, और मुझे लगता है कि मैं और आप यहाँ बैठकर कोर्ट का काम कर रहे हैं, हम नहीं बैठे हैं, ये जांच का विषय है, इसे जांच में ही रहने दीजिए, है ना। हम और आप यहाँ बैठकर ये निष्कर्ष निकालने बैठे हैं कि कैसे इस देश को इन बुराइयों से बचाया जाए, कैसे अपनी गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा जाए, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम साथ बैठकर खाना खाते थे वही माहौल दोबारा बन सके। ठीक है शिवेंद्र जी, आखिरी कमेंट इसी को लेकर के आपका, फिर रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। जी इन्होंने कहा, हमारे मित्र ने कहा कि पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी होती है, हिंदू की आइडेंटिटी है तिलक लगा हुआ है मेरे मत्थे पर, आपकी आइडेंटिटी है टोपी लगी हुई, वो 40 तस्वीरें जो मस्जिद से निकलते हैं नमाज पढ़कर निकलते हैं, ठेले जो पत्थर से भरे हुए हैं वो लेकर निकलते हैं, एक दिन निश्चित होता है शुक्रवार का दिन, समय निश्चित होता है नमाज से निकलकर और पत्थर बरसाए जाते हैं, वो 40 की 40 तस्वीरें जिन पर टोपी लगी हुई है, वो कौन से धर्म के लोग हैं, वो कौन से मजहब के लोग हैं? एक तस्वीर आप मुझे दिखा दीजिए जिसमें तिलक लगा हो और उस व्यक्ति ने। आपकी बात का सीधा सा जवाब ये है कि तिलक लगाने से ना तो कोई हिंदू बन जाता है और टोपी पहनने से ना तो कोई मुसलमान बन जाता है, धर्म इंसान के दिल में होता है, आप उसकी वेशभूषा से उसके धर्म की पहचान नहीं कर सकते। अरे तो सिंबॉलिक है सर, पहचान होती है ना मैडम, कैसी बात करते अगर हैं आप, मतलब है अगर ऐसा नहीं है दिल से ही धर्म होता है तो आप खतना क्यों करवाते हैं? ऐसा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, ठीक है रहने ना, जबरन खतना ना करवाया जाता, जिन लोगों को इस्लाम स्वीकार करवाया गया तलवार की धार पर उनका खतना ना करवाया जाता, ठीक है मान लेते धर्म से कि हाँ ठीक है मुसलमान बन जाने देते, आपने उनका खतना क्यों करवाया? आपने कहा ना धर्म दिल से होता है, तो भाई खतना क्यों करवाते हो, क्यों करवाया जाता है आपके धर्म, उसे मुसलमान बनाया जाता है। ठीक है मुसलमान शिवेंद्र जी समय हमारे पास में कम है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान देने के विरोध में लाइब्रेरी से लगातार वो लोग जो है मार्च निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यही है कि जब नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांग ली है, बीजेपी ने उनको निलंबित कर दिया है, उसके बावजूद भी विवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं।